अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शहीर वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग चैनल एस फॉर शहीर 03। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीर शाफे सफर इच आई एट होम। दे आर वेरी एक्साइटेड इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आज वीकेंड भी है, आजकल वीकेंड भी चल रहा है और हमें अटेंड करनी थी बैक टू बैक ना दो तीन वेडिंग्स। तो वेडिंग्स की जो प्रिपरेशन है ना उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट दिखानी थी। और सुबह से ही ना जरा किसी भी शादी में जाने का अगर मूड ना तो सुबह से ही पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या क्या पहनना है, किस किस तरीके से तैयार होना है, किस किस तरीके से जो है ना अपनी ओवरऑल तैयारी करनी है, बच्चों को क्या पहनाना है। तो ये तमाम तरह ना क्वेश्चन जो है ना वो दिमाग के अंदर घूम रहे होते हैं और इसी को लेके ना आज हमने जल्दी से सोचा कि आपके साथ एक रैंडम से ना व्लॉग बना देते हैं और शेयर कर देते हैं ताकि आपको भी पता चले जब भी किसी वेडिंग को अटेंड करने का सीन ऑन होना तो फिर हमारे घर में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ना शेयर फैमिली व्लॉग्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना शहीर की फ्रेश रील अवेलेबल होती है, यू काइंडली गो देयर एंड चेक इट आउट। और वहाँ पर जाकर भी ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर ना जनाब सुबह की शुरुआत हुई, जल्दी जल्दी ना हमने सोचा कि चलो यार नाश्ता करते हैं। नाश्ता ना आज मैंने सोचा था कि क्या खाया जाए, तो हमने हल्का फुल्का ट्राई किया, एक ना पेस्ट्री टाइप का आइटम था जो कि लेकर आए थे, बटर पेपर के अंदर रैप था, शेर के फादर लेकर आए थे। तो उसके अंदर ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई व्हिपिंग क्रीम या फिर कोई ना केक की क्रीम पोर नहीं थी, बहुत लाइट सा केक था लेकिन टोटली ना इसका टेस्ट और टेक्सचर ऐसा हो रहा था जैसे कि हम कोई पेस्ट्री खा रहे हैं। और अंदर थोड़ी इसकी क्रीम की फिलिंग हुई भी थी लेकिन बहुत अच्छा एक पेस्ट्री का वर्जन था। उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादातर केक के अंदर क्रीम पसंद नहीं होती ना, वो बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं। उसके साथ ही जनाब कड़क सी चाय जो कि मेरी फेवरेट है, जब तक कड़क ना होना ज़्यादा अच्छी क्वान्टिटी में पत्ती ऐड ना होना तो मुझे मज़ा नहीं आता। हमने बनाई थी चाय और चाय के साथ हमने ये हल्का फुल्का सा नाश्ता अटैम्प किया। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आजकल ना शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है प्रोडक्ट मैं आपको रिव्यू करना बताऊंगी। एक ना मैं मग परचेज़ करके लाई हूँ जो कि मुझे ऑनलाइन स्टोर पर काफ़ी महंगी वैरायटी में मिल रहा था, काफ़ी महंगे अमाउंट में मिला था, लेकिन ये मैंने लोकल सुपरमार्केट से बहुत रीज़नेबल प्राइस में खरीदा है। ये पूरा ना मिरर से बना हुआ है और ऊपर ना इसका एयर टाइट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये जो स्ट्रॉ है ना ये भी मिरर से बनी हुई है, तो यानी आप वॉशेबल भी कर सकते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक के जितने भी होते हैं ना कि हाइजीन का प्रॉब्लम होता है वो, ऑल्दो इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा ब्लैकिश ही है और यही लिया था मैंने। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में भी थे और ब्राउन फॉर्म में भी थे और डिफरेंट थे, मैंने थोड़ा सा ना ब्लैकिश टोन के अंदर लिया। तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव रहेगा सुबह सुबह जो है व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ड्रिंक वगैरह पीने के पर्पज़ से भी, और भी आप कुछ भी चाहें ठंडा गर्म पी सकते हैं आराम से, कोल्ड कॉफ़ी भी आराम से पी सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ना एक तो इसका जो लिड है वो बहुत अच्छी तरीके से फिक्स होने वाला है, ये बहुत अच्छा है, और ये पूरा टोटली ना ग्लास से मेड है। और उसके अलावा जो स्ट्रॉ है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो भी ग्लास से मेड है। उसके बाद हमने सोचा कि जब एक वेडिंग में जाना है तो थोड़ा सा स्किन केयर भी होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी से निकाली अपनी ब्लीच क्रीम। ये बहुत एक इंस्टेंट ब्लीच क्रीम है जो कि ईजिली 60 to 70 रुपीज़ की सैशेट की फॉर्म में मिल जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट जो है निकल कर आते हैं। बस जितना अमाउंट आपने लेना है अपने नेक पर और ना फेस पर अप्लाई करने के लिए आप इतना अमाउंट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसके अंदर एक्सलेटर डाल कर ना जो जितना भी आप डालना चाहें पाउडर जो इसका होता है वो डालकर आप अच्छी तरीके से मिक्स करें ताकि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो डबल हो जाती है थोड़ी देर में। अगर आप इसको मिक्सिंग करेंगे ना तो आपको खुद फॉर्म होगा, फील होगा कि इसकी जो क्वान्टिटी है ना वो 1.5 मतलब एक से ना डेढ़ गुना बढ़ जाती है, वरना फिर ऑलमोस्ट ना डबल हो जाती है। बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इस एप्लीकेशन इस तरीके से करनी है, बिल्कुल एक लेयर फॉर्म में आपने लगानी है हाथों के ऊपर। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, आपने बस है ना आँखों से बचाकर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है और 12 से 15 मिनट बाद ना आपने इसको रिमूव कर देना है किसी स्पंज की मदद से और अच्छी अमाउंट में ना आपने ठंडे वाटर से मुँह धो लेना है। उसके बाद मैंने ना ये अर्जेंट फेशियल था, इतनी क्वान्टिटी में लिया हाथ में और थोड़ी देर के लिए ना अप्लाई कर दिया पूरे फेस के ऊपर और फिर ठंडे पानी से ना मैं इसका रेगुलरली मसाज करूँगी। और जनाब हमारा शादी में जाने के लिए ना टाइम था, 15 मिनट बाद ना मैंने अपना फेशियल रिमूव किया और जनाब बच्चे
बच्चे और जो है शेरी के फादर, वो कहने लगे अभी तो शाम ही हुई है और हम लोग रात में जाएंगे, तो शादी में इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ खा लिया जाए। तो हमने जल्दी से ना ये चाट निकाल ली थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थी, और उसके अलावा ना एक दो आलू के पराठे बना दिया था कि बच्चे भी ना इतनी देर तक भूखे नहीं रहे। ऑलमोस्ट 5-6 बजे ना हमने ये हल्का फुल्का सा बच्चों को चाय के साथ दे दिया था कि चलो भाई अभी आपका थोड़ा बहुत ना जो है भूख मिट जाए। और फाइनली हमने ना जो अपने कपड़े वगैरह प्रेस करे, जो कि था ये मेरा आज का फाइनल आउटफिट जो कि मैं वेयर करने वाली हूँ, ये माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ 4 से 5 साल पुराना ये मेरा ड्रेस है, लेकिन जब भी निकालो नया लगता है। ऑल्दो इसका काम जो है ना वो भी डल नहीं हुआ और ना क्वालिटी भी अच्छी लगती है इसकी। उसके अलावा ना आप जब भी इसके ऊपर मेकअप अप्लाई करो ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छा इस पर मेकअप होता है, अट्रैक्टिव सा लुक होता है। और जनाब शादी में पहुंचकर शहीर साहब और बैठ जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। शहीर ने स्टार्ट कर दिया अपनी मस्तियाँ और तो पूरे टाइम ना ये स्टेज पर दुल्हन के सामने सवार रहे और फिर इनकी जो है ना बैक टू बैक जो है ना हरकतें वो चालू रही हैं। और इनके साथ इनके जो है तमाम तर कजन्स भी मिल गए थे, और अगर थोड़ा बहुत भी डांट दो ना तो फिर इनका मूड इस तरीके से कुछ ऑफ हो जाता है। अब ये हमारी ना मल्टीपल शादियाँ यानी बैक टू बैक ना काफ़ी फंक्शंस अटेंड करने हैं, तो जिस जिस फंक्शन को अटेंड करेंगे उसके साथ ना आपकी थोड़ी बहुत जो है ना क्लिप कोशिश करेंगे शेयर करें, सेंड करें, और बैक टू बैक ना आपको हम लोग दिखाएंगे तमाम तर जो वेडिंग्स हैं ना उनकी अटेंड कि हमने किस तरीके से और क्या क्या वहाँ का एनवायरनमेंट और एम्बियंस रहा, वो तमाम तर चीज़ें ना आपको ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करेंगे। उसके अलावा शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग इस वजह से नहीं शो करते क्योंकि हर किसी की ना अपनी प्राइवेसी होती है, हर किसी की ना अपनी अपनी जो है ना लाइफ होती है, कोई नहीं चाहता ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉग में शमूलियत इख्तियार करना। तो हम लोग जो है ना हर किसी के पॉइंट प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए ना उनको लेते भी नहीं है। और जनाब यहाँ पर ना हमारी बैक टू बैक शादियों के अंदर जो है शिरकत चल रही थी, और घर पर आकर ना कुछ लगती है चाय की बहुत शदीद वाली तलब, और कराची लवर्स जो है ना वो चाय के कितने शौकीन होते हैं ये तो कराची लवर्स ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि कराची में जितने भी लोग होते हैं ना वो तकरीबन चाय के शौकीन होते हैं ज़्यादातर लाहौरियों से या उनसे। अब भाई ये पसंद तो अपने अपने, कुछ लोग जो है वो कॉफ़ी लवर होते हैं, कुछ चाय लवर होते हैं, कुछ जो है अदर ड्रिंक्स लवर होते हैं। तो इसी के साथ ना छोटी मोटी गपशप के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। होप यू गाइस लाइक टुडेस एफर्ट टुडेस व्लॉग। अपना अपने जाने वालों को अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, ज़िंदगी बखेर। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फी इमानिल्लाह।